तो अभी हम शुरू करते हैं कुछ क्वेश्चंस के बारे में, ठीक है। तो लिखिएगा, ए कंपनसेटर GCS बराबर 5 × 1+0.3S डिवाइडेड बाय 1+0.1S वुड प्रोवाइड ए मैक्सिमम फेज शिफ्ट ऑफ, कुछ ऑप्शंस, 20 डिग्री, 45 डिग्री, 30 डिग्री एंड 60 डिग्री, ठीक है। हाँ, तो ध्यान दीजिएगा, जब भी इस तरीके से कभी कंपनसेटर का क्वेश्चन गिवन हो आपके सामने, तो आपको क्या करना है, आपको स्टैंडर्ड बता रहा हूँ यहाँ पर मैं, देखिए, यानी GCS आपको दिमाग में रखना है 1+TS डिवाइडेड बाई 1+KTS, मतलब इससे आपको उसको कंपेयर कर देना है, इंपॉर्टेंट है ये चीज़ का ध्यान देना है, इससे आपको क्या करना है, उसको कंपेयर करना है, वहां से आपको वैल्यू निकालनी है, यानी यहां से आप कंपेयर करके क्या निकाल सकते हैं, यहां से टी की वैल्यू निकाल सकते हैं और यहां से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, के की वैल्यू निकाल सकते हैं कंपेयर करके। अब फिर ध्यान देना, अगर के की वैल्यू लेस देन 1 आ जाती है तो उसको बोलेंगे हम कि वो है लीड कंपनसेटर, और अगर के की वैल्यू ग्रेटर देन 1 आ जाती है तो उसको हम बोलेंगे लैग कंपनसेटर, ठीक है। ये छोटा सा पॉइंट बना दीजिए ना, इंपॉर्टेंट है, यानी इस चीज से आपको पता करना, यानी इससे कंपेयर करना आपको, सीधा सा मतलब ये है, अगर कोई भी आपको इस तरीके से कोई कंपनसेटर का क्वेश्चन गिवन हो, तो आइए हम इससे आप इसको कंपेयर करके वैल्यू निकालते हैं, ठीक। हाँ, अब देखिएगा, कंपेयर करता हूं मैं, हाँ, इस फॉर्मेट में बनाना, तो इस फॉर्मेट में पहले से बना हुआ 1+TS, 1+TS, यानी कंपेयर किया तो टी की वैल्यू मुझे क्या मिल रही है, टी की वैल्यू मुझे मिल रही है कितना, 0.3 मिल रही है, ठीक है। उसके बाद देखिए केटी की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, केटी की वैल्यू कंपेयर कर रहा हूं तो केटी की वैल्यू 0.1 मिल रही है, तो यहां से मैं के की वैल्यू निकाल लेता हूं, टी की वैल्यू यहां पुट करके, तो के बराबर कितना होगा, 0.1 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू एंड दिस, यानी 0.3, यानी के की वैल्यू क्या मिल गई, 1/3, यानी के क्या लेस देन 1 है, लेस देन 1 है तो वो किसके लिए होता, लीड के लिए होता, किसके लिए होता, वो लीड के लिए। हाँ, तो उसी के की वैल्यू को हम किसकी वैल्यू बोल देंगे, फिर उसी के की वैल्यू को हम बोल देंगे कि अल्फा है वो, तो हमें अल्फा मिल गया, सीधा सा मतलब ये है, हमें क्या मिल गया, अल्फा मिल गया, यानी अगर ये लेस देन है तो इसी के को हम अल्फा ट्रीट कर लेंगे, ये के ग्रेटर देन है तो इसी के को हम क्या ट्रीट कर लेंगे, हम बीटा ट्रीट कर लेंगे, ठीक है। हाँ, तो ये अल्फा की वैल्यू मिल गई हमें यहां से, अब क्या कर सकते हैं, अब तो सीधा मैंने फॉर्मूला बताया आपको कि मैक्सिमम फेज शिफ्ट के लिए क्या फॉर्मूला था, तो हम फॉर्मूला अप्लाई कर देते हैं, ठीक है। देखिए क्या फॉर्मूला था, कि फाई एम बराबर साइन इनवर्स 1-α डिवाइडेड बाई 1+α, ठीक है, यानी वैल्यू पुट कर दीजिएगा, साइन इनवर्स 1-1/3 डिवाइडेड बाई 1+1/3, ठीक है, 1+1/3। अब ध्यान दीजिएगा यहां से ये क्या होगा, 3-1, यानी ऊपर है 2/3 और नीचे 4/3 से कैंसिल, यानी 2/4 कितना होता, 1/2, यानी कितना, साइन इनवर्स 1/2, और साइन इनवर्स 1/2 कितना होता, 30 डिग्री, कितना होता है, 30 डिग्री। इसका मतलब आंसर क्या हो जाएगा, दिस इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया कि आपको किस तरीके से सॉल्यूशन करना, यानी ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में ध्यान में रखना, इस तरीके से करना, ठीक है। आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, लिखिए हाँ, कंपनसेटर ट्रांसफर फंक्शन इज गिवन बाय CS बराबर 2S+1 डिवाइडेड बाय 0.2S+1। व्हाट इज इट्स नेचर एंड पैरामीटर,
व्हाट इट्स नेचर एंड पैरामीटर। ठीक है, कुछ ऑप्शन है यहाँ पर कि लेग कंपनसेटर है जब बीटा इतना हो, लीड कंपनसेटर है जब अल्फा इतना हो, इस तरीके से कुछ ऑप्शन है। ठीक है, तो यहां से हम तो सीधा ही अभी मैंने बताया कि स्टैंडर्ड से इसको स्टैंडर्ड में पहले बना के और कंपेयर कर लेंगे। तो स्टैंडर्ड क्या था हमारा? ठीक है, स्टैंडर्ड थोड़ी देर पहले ही मैंने बताया कि जीसीएस वो होता है 1+TS डिवाइडेड बाई 1+KTS। इस फॉर्मेट में है तो अच्छी बात, नहीं है तो बना लेंगे। ठीक है, हाँ, तो ये तो इसी फॉर्मेट में हमें दिख रहा था कि 1+TS यानी टी की वैल्यू कंपेयर किया तो टी की वैल्यू कितनी आ रही है हमारे पास? 2 आ रही है। और नीचे 1+KTS यानी KT की वैल्यू कितनी आ रही है? KT की वैल्यू कितनी आ रही है? 0.2 आ रही है। तो यहां से टी की वैल्यू डाल देता हूं तो के बराबर कितना आ गया? 0.2 डिवाइडेड बाई टी यानी दिस, यानी ये कितना हो गया? 1/10। 1/10 का मतलब के बराबर क्या आ गया? 0.1। के 0.1 का मतलब के तो क्या आ गया? लेस देन 1 आ गया। तो इसका मतलब क्या कि ये किसका है? ट्रांसफर फंक्शन। तो ये ट्रांसफर फंक्शन है लीड कंपनसेटर का। किसका है? लीड कंपनसेटर विद अल्फा बराबर 0.1। यानी ये हमारा आंसर हो जाएगा। यानी आंसर क्या हो जाएगा कि लीड कंपनसेटर है और अल्फा की वैल्यू 1/10 या 0.1। दिस इज द आंसर। समझ में आ गया कि किस तरीके से करना है आपको? ठीक है, आगे लिखिएगा नेक्स्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिएगा, द नेटवर्क हैविंग ट्रांसफर फंक्शन, द नेटवर्क हैविंग ट्रांसफर फंक्शन जीएस बराबर, ट्रांसफर फंक्शन जीएस बराबर 1+S/4 डिवाइडेड बाय 1+S/25 विल प्रोवाइड मैक्सिमम फेज लीड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, मैक्सिमम फेज लीड एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ, कुछ ऑप्शंस है जैसे 4 रेडियन पर सेकेंड, 25 रेडियन पर सेकेंड, 10 रेडियन पर सेकेंड और 100 रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, हाँ, देखिएगा ये गिवन है, आपको क्या बोला कि मैक्सिमम फेज लीड अकर्स एट विच फ्रीक्वेंसी। क्या बताया था मैंने? ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। मैक्सिमम फेज लीड अकर्स ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी। तो ये तो सीधा सा ही है, यहां से कॉर्नर फ्रीक्वेंसी का पता कर लेते हैं। देखिएगा यहां से इसके लिए कॉर्नर फ्रीक्वेंसी क्या है, कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालने का फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर के लिए मैंने सीधा तरीका भी बताया आपको। क्या बताया था? इस तरीके से बोला था कि क्या करना होता है, 1+TS जो होता है, 1+- जो भी है, तो इसका अगर कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी होती है ओमेगा CF, तो क्या होती है? 1/T होती है, बताया था। अब देखिए तो इसके लिए कितना होगा, इससे सबसे पहले T की वैल्यू पता चल रही है हमें, इसके लिए T की वैल्यू कितनी आ रही है? T की वैल्यू पता चल रही है कितनी आ रही है? 1/4 के अकॉर्डिंग आ रही है। ठीक है, यानी इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं। ठीक है, केवल मुझे दो कॉर्नर फ्रीक्वेंसी निकालनी है, उनका फिर ज्योमेट्रिक मीन निकाल देना, सीधा सा मतलब ये है। तो यहां से टी की वैल्यू, तो इसके इस टर्म के लिए ओमेगा सीएफ कितने मिल गई है, ओमेगा सीएफ कितने मिल गई है? 1/T यानी 4 मिल गई है इसके लिए। तो ठीक है, देन इसके लिए मैं निकाल लूंगा, इसके लिए मुझे कितने मिल गई है, इसके लिए निकाल लेता हूं। तो यहां से आपको इसके लिए भी मिल रही है, इसको ओमेगा C1 नाम दे देता हूं, ऐसे उसको ओमेगा CF1, ऐसे इसको ओमेगा CF2 नाम देता हूं। तो इसके लिए भी वही है कि कंपेयर किया तो वैल्यू हमें पता ही चल रही है। ठीक है, यानी इसके लिए सॉल्यूशन करोगे तो कितना मिल जाएगा? 25 मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आपको मिल गई इतना रेडियन पर सेकेंड और इसके लिए ये मिल गई इतना रेडियन है पर सेकेंड। ठीक है, अब देखिएगा, अब मैंने क्या बताया था कि मैक्सिमम फेज लीड अकर्स एट ज्योमेट्रिक मीन ऑफ टू कॉर्नर फ्रीक्वेंसी, यानी उसको हम ओमेगा एम नाम दे रहे हैं और ज्योमेट्रिक मीन का मतलब है इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन, यानी इन दोनों का ज्योमेट्रिक मीन ओमेगा CF1 इनटू
ओमेगा सी एफ टू, यानी यहां से ओमेगा एम बराबर कितना आ गया, यहां से आ गया अंडर रूट चार इंटू पच्चीस यानी अंडर रूट हंड्रेड, और अंडर रूट हंड्रेड से वैल्यू क्या मिल गया हमें, टेन रेडियन है पर सेकेंड। समझ में आया कि किस तरीके से करना है, ठीक है, या आप फॉर्मूला भी लगा के कर सकते हैं जैसा कि मैंने फॉर्मूला भी बताया था आपको, ठीक है, लेकिन ये सीधा तरीका आप ध्यान रखेंगे थोड़ा ज्यादा इजी रहेगा, अदरवाइज आप फॉर्मूले से भी इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। वहां पर हमने क्या बताया था कि ओमेगा एम क्या, किस तरीके से निकाला था हमने, आप पीछे के वीडियोज में देखेंगे तो ओमेगा एम की वैल्यू क्या आई थी, तो वहां से आप उसमें डायरेक्टली पुट करके भी आप क्या कर सकते हैं, उसका सॉल्यूशन कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो इसका आंसर क्या आ गया हमारे लिए, आंसर आ गया हमारे लिए 10 रेडियन पर सेकेंड, ठीक है, यानी जनरल अप्रोच से मैंने इसको क्या किया, सॉल्यूशन किया, ठीक है, अदरवाइज फॉर्मूले से भी कर सकते हैं। आगे लिखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, टू कंपनसेटर्स, टू कंपनसेटर्स have transfer function, G1S बराबर 5 into S plus 10 divided by S plus 50 and G2S बराबर S plus 50 divided by 5 into S plus 10 respectively, अब कुछ ऑप्शंस हैं, रेस्पेक्टिवली क्या, जैसे ये दोनों ही ट्रांसफर फंक्शन लीड कंपनसेटर के लिए है, दोनों ही लेग कंपनसेटर के लिए है, G1 लीड के लिए है बट G2 लेग के लिए है, ठीक है, ऐसे G1 लेग के लिए है बट G2 लीड के लिए है, मतलब इस तरीके से कुछ ऑप्शंस होंगे, ठीक है। तो कैसे सॉल्यूशन करेंगे, वही कंपेयर करना स्टैंडर्ड से, तो सिंपलीफाई कर सकते हैं, यानी स्टैंडर्ड थोड़ी देर पहले मैंने बताया आपको कि GCS बराबर 1 प्लस TS डिवाइडेड बाय 1 प्लस KTS इस फॉर्मेट, तो इस फॉर्मेट में बना दीजिएगा सबसे पहले इनको आप, ठीक है। तो अगर बनाऊं तो मैं सबसे पहले सॉल्यूशन करता हूं G1S के लिए, यानी G1S बराबर 5 इंटू, इसको इस फॉर्मेट बनाऊं तो क्या कॉमन ले लेता हूं, यहां से 10 कॉमन ले लूं, 5 इंटू 10 बाहर लेके आ गया मैं, ये बन गया 1 प्लस एस बाई 10 डिवाइडेड बाय, नीचे कितना कॉमन ले लूं मैं, 50 कॉमन ले लूं, तो ये क्या बन जाएगा 1 प्लस एस डिवाइडेड बाय 50, इस तरीके से बन गया, ठीक है। हम इनको कट करना चाहें तो कट कर सकते हैं कि ये कंप्लीट, यहां से कैंसिल हो गए। अब देखिएगा कंपेयर करते हैं, तो इससे कंपेयर किया तो यहां से टी की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, टी की मिल रही है कितना 1/10 कंपेयर कर रहा हूं, और यहां से केटी की वैल्यू कितनी मिल रही है, केटी की वैल्यू कितनी मिल रही है 1/50, यानी यहां से वैल्यू डाल देता हूं इसमें टी की, तो के की वैल्यू मिल जाएगी हमें, यानी के बराबर 1/50 डिवाइडेड बाय टी, यानी टी से डिवाइड किया यानी 1/10 यानी ये ऊपर चला गया, यानी के की वैल्यू कितनी आ गई है 1/5, यानी के की वैल्यू क्या आ गई है लेस देन 1, के की वैल्यू लेस देन 1 का मतलब क्या हुआ कि जीवन क्या है आपका, आपका जीवन क्या है, दिस इज रिगार्डिंग टू लीड कंपनसेटर, तो ये आपका किसके रिगार्डिंग है यहाँ पर, तो ये आपका लीड से रिलेटेड, लीड से रिलेटेड है, हैविंग अल्फा बराबर 1/5 लीड है, और उसकी अल्फा की वैल्यू क्या बोल सकते हैं इस तरीके से, ठीक है। अब देखिएगा यहां पर इसको चेक करते हैं, हाँ, तो इसके लिए देखिए अगेन इसको बनाते हैं यहां पर, यानी G2S बराबर कॉमन ले रहा हूं मैं, यहां से 50 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो ये 50 ये क्या बन गया 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 50 डिवाइडेड बाई यहां 5/5 इंटू यहां से 10 कॉमन लिया तो ये क्या बन गया 1 प्लस एस डिवाइडेड बाई 10, यानी कंपेयर करता हूं स्टैंडर्ड से, तो यहां से पता चल रहा है कि टी की वैल्यू कितनी आ रही है, टी की वैल्यू कितनी आ रही है
वन डिवाइडेड बाई 50, हाँ, और KT की वैल्यू कितनी आ रही है, KT की वैल्यू कितनी आ रही है, 1 डिवाइडेड बाय 10, तो यहां से हम अगर निकालना चाहे वैल्यू, ठीक है, तो यहां से देखिएगा K की वैल्यू मैं निकालूं तो K बराबर 1 बाय 10 और डिवाइडेड T किया तो यहां पर आ जाएगा 50, यानी 0 से 0 कैंसिल, यानी K की वैल्यू कितनी आ गई, 5, जो कि क्या आ रही है, ग्रेटर देन 1 आ रही है। इसका मतलब ये किससे रिलेटेड आ गया आपका, ये आ गया लेग कंपनसेटर से रिलेटेड, किससे रिलेटेड है ये, लेग कंपनसेटर से रिलेटेड है, और उसके लिए बीटा की वैल्यू कितनी मिल रही है हमें, 5 मिल रही है, ठीक है, समझ में आया कि किस तरीके से हमें सॉल्यूशन करना होता है, ठीक है। हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं तो आपको इस तरीके से सॉल्यूशन करना है, इंपॉर्टेंट चीजें इनके बारे में दिमाग में रखना कि कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या है, ठीक है। तो इस वीडियो में अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।